तो आज का जो मौसम है वो बिल्कुल भी सुहाना नहीं है। आज बारिश जैसा मौसम हो रखा है यार, बट हाँ ये वाला मौसम भी बढ़िया लगता है। वैसे काफी ज्यादा दिनों के बाद अगर बारिश होगी आज तो मजा ही आ जाएगा। लॉस सैंटोस में लिटरली में भाई इस वक्त दबा के गर्मी पड़ रही है, चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है, और अपना जो स्विमिंग पूल का पानी है भाई वो भी हमेशा गर्म रहता है, बट आज जो है मौसम बारिश वाला है इसलिए पानी भी आज थोड़ा ठंडा है, तो मजा आ रहा है यार तैरने में। अरे यार पानी में तैरने में तो मजा आ रहा है, लेकिन 200 करोड़ का क्या? 200 करोड़ क्या हो गया 200 करोड़ को? यार कल यार तूने भाई आयरन मैन के चक्कर में और एवेंजर्स के चक्कर में 200 करोड़ का खर्चा तो कर दिया, अब हमारे 200 करोड़ लौटाएगा कौन? भाई छोड़ना, आप 200 करोड़ लग गए तो लग गए। वैसे भी मैंने एवेंजर्स को वादा किया था कि मैं उन लोगों को घर जो है पूरा का पूरा फ्री में बना के दूंगा, अब बना के तो दे दिया भाई, बात खत्म। अरे लेकिन यार उससे हमारा तो नुकसान हो गया ना। नुकसान कोई बात नहीं भाई, एवेंजर्स अपने दोस्त ही तो है, क्या ही दिक्कत है? अरे तो दोस्त है तो यार फिर भी उन्हें समझना तो चाहिए, सामने से पैसे तो हमें वापस करने ही चाहिए, या फिर सामने से उन्हें थोड़ा सा रिटर्न गिफ्ट वगैरह कुछ तो देना ही चाहिए यार। हाँ ये बात तो सही कह रहा है यार सिंचन, तू भाई उन्हें थोड़ा रिटर्न गिफ्ट या कुछ तो देना ही चाहिए। उन लोगों ने मैं थैंक यू से भी ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, घर उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ गया, सारे एवेंजर्स मजे से अब उस घर में रह रहे हैं, और घर भी तो मैंने कितना मस्त बना के दिया था, तुम लोगों ने देखा होगा गाइस जब मैंने एवेंजर्स को घर गिफ्ट किया था, तो भाई घर तो उन लोगों को पसंद आ गया, बट थैंक यू के अलावा उन लोगों ने ना कुछ हमें कहा ना कुछ दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, बट अब क्या ही कर सकते हैं, गलती मेरी थी, मैंने वादा किया था उन्हें तो वादा तो पूरा करना ही था। अरे फिर भी यार उन्हें कुछ तो देना चाहिए सामने से। अब सामने से हम तो मांगेंगे नहीं भाई, छोड़ना, नहीं दिया तो नहीं दिया, बात खत्म। आज फ्रैंकलिन को मैं रिटर्न गिफ्ट देने वाला हूँ यार, और इस रिटर्न गिफ्ट को लेने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ये वाली गाड़ी है रिटर्न गिफ्ट में, और इस गाड़ी के अलावा एक बहुत ही ज्यादा मैजिकल चीज भी मैं उसे गिफ्ट करने वाला हूँ। आई नो वो लोग सोच रहे होंगे कि 200 करोड़ का घर हड़प लिया एवेंजर्स ने और कुछ रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दिया, पर टेंशन नॉट फ्रैंकलिन, तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, और ये मैं दूंगा। अभी तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पर। ये रहा सामने की तरफ फ्रैंकलिन का घर। अरे फ्रैंकलिन घर पर यो क्या? मैं भाई आयरन मैन, तेरी आवाज लग रही है तो। अरे मैं ही यार, बताओ कैसे हाल चाल तुम्हारे? तू बता तेरे हाल चाल कैसे? वैसे सॉरी भाई पूछा क्यों मैंने, तेरे हाल चाल तो बढ़िया ही होंगे 200 करोड़ के घर में जो बैठा है तू। अरे यार सच में घर तो तुमने बहुत ही ज्यादा क्रेजी बनाया है, जब से हम लोग अपने उस 200 करोड़ वाले घर में रह रहे हैं यार जिंदगी एकदम मजे से कट रही है, आराम से कट रही है, और मजा आ रहा है रहने में वहां पर। मजा तो आएगा फ्री फंड का 200 करोड़ का घर जो मिल गया। अरे यार टेंशन मतलब फ्रैंकलिन, तुमने मुझे 200 करोड़ का घर गिफ्ट किया, अब रिटर्न गिफ्ट में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या सच में तू रिटर्न गिफ्ट देना चाह रहा है? बिल्कुल, यकीन नहीं हुआ क्या? अरे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ यार, वैसे क्या रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो? 10 करोड़ की चीज, 50 करोड़ की चीज, 100 करोड़ की चीज, या फिर 200 करोड़ की चीज, या फिर इससे भी ज्यादा महंगा, या फिर कोई बड़ा सा बंगलो, या फिर कोई अलग दुनिया, या फिर अपनी पावर्स, या फिर अपना सूट। अरे यार तुम कितना ज्यादा बोलते हो शिनचैन, इतना सब तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना तुमने बोल दिया। अरे तो बताओ ना यार क्या रिटर्न गिफ्ट देने वाले हो? वो मैं बताऊंगा तुम्हें, बट उससे पहले फ्रैंकलिन जाओ जरा बढ़िया वाले कपड़े पहन कर आओ। क्यों भाई? अरे पहन कर आओ यार, तुम्हें जो रिटर्न गिफ्ट देने वाला वो एकदम बहुत ही क्रेजी होने वाला है, और मैं तुम्हें 2 रिटर्न गिफ्ट एक्चुअली मैं देने वाला हूँ। अच्छा क्या क्या? वो बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट दिखाऊंगा, पहले तुम बढ़िया वाले कपड़े पहन कर आओ जल्दी से। अरे लेकिन गिफ्ट देना तो भाई डायरेक्टली दे दे, इसमें बढ़िया कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? अरे यहाँ से कहीं और भी जाना है ना यार, तो चड्डी बनियान में तुम वहां पर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कपड़े पहन कर आ जाओ फटाफट से। ठीक है पहन के आता हूँ। पता नहीं गाइस क्या ही गिफ्ट देने वाला है यार आयरन मैन रिटर्न गिफ्ट, लेट्स सी क्या मिलता है। बाकी जल्दी से कोट वगैरह पहन लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने पहन लिया है बढ़िया वाला कोट, बढ़िया वाली जीन्स, और चश्मे वगैरह भी लगा लिया है भाई, और घड़ी भी पहन लिया है, अब तो बढ़िया लग रहा हूँ भाई आयरन मैन। अरे हाँ अब ले जाने लायक लग रहे हो तुम। ऐसे क्या रिटर्न गिफ्ट देने वाला है तू? जरा बाहर चलो। बाहर क्या है? बाहर जाकर देखो तो सही। आ जाओ शिंजन विंजन तुम लोग भी। ओ तेरी ये गाड़ी ही, वो तेरी SUV तो बढ़िया लग रही है, ये कलर कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा डिफरेंट है यार इसका। कैसी लगी गाड़ी? गाड़ी तो भाई बढ़िया लग रही है आयरन मैन। हाँ भाई साहब यार गाड़ी तो बढ़िया लग रही है। अरे हाँ यार काफी ज्यादा बढ़िया गाड़ी है आयरन मैन। अरे हाँ यार गाड़ी तो सच में बढ़िया है। देखा मेरी गाड़ी तुम लोगों को जरूर पसंद आएगी, मैंने कहा था ना। अबे लेकिन भाई ये गाड़ी किसके लिए? यही तो है तुम्हारा आज का पहला रिटर्न गिफ्ट। व्हाट?
ये तू हमें गिफ्ट दे रहा है? बिल्कुल। ये है कितने की? ज्यादा महंगी नहीं है, 2 करोड़ की है, लेकिन बढ़िया लगी ना तुम लोगों को। अबे 2 करोड़ की भी दे रहा है भाई, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। उत्तरी एसयूवी बढ़िया लग रही है गाइस। कलर कॉम्बिनेशन जो है ना इसका बहुत ही यूनिक है। ये देखो इधर पर्पल है, उसके बाद इंडिगो है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ब्लैक भी है, ग्रे भी है, येलो भी है, रेड भी है। भाई जितने डिफरेंट कलर तुम लोग इमेजिन कर सकते हो सारे डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर, और बढ़िया लग रही है भाई गाड़ी। तो यही है तुम्हारा आज का पहला रिटर्न गिफ्ट। और दूसरा क्या है? दूसरे के लिए गाड़ी को थोड़ा ड्राइव करके जाना पड़ेगा यार उस जगह तक, फिर उसके बाद तुम्हें मैं वो गिफ्ट दूंगा। वैसे है क्या गिफ्ट में बता देना तू। नहीं 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 फ्रैंकलिन, ऐसे नहीं, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट वो गिफ्ट दिखाऊंगा, और मेरी मानो उस गिफ्ट को लेने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। ऐसा क्या गिफ्ट देने वाला है? इससे महंगा है क्या वो? इससे तो कई गुना ज्यादा महंगा है। अरे ऐसा क्या दे रहे हो आयरन मैन में, ये जरा बताओ ना। नहीं 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 ऐसे नहीं बताऊंगा, गाड़ी के अंदर बैठो, ड्राइव करके चलते हैं उस लोकेशन पर और फिर तुम्हें मैं वो गिफ्ट दूंगा। ठीक है यार, तो फिर आ जाओ जल्दी से। ओके तो आयरन मैन यहाँ पर बैठने वाला है गाइस हमारी गाड़ी के अंदर। चॉप ऑलरेडी बैठ चुका है, शिंजन मेजन सब बैठ चुके हैं, और मैं तुम लोगों को बता दूं ये गाड़ी पूरी की पूरी आयरन मैन ने भाई हम लोगों को गिफ्ट कर दी है। तो आज से ये हमारी हुई गाड़ी भाई, मस्त गाड़ी है एकदम। ओ तेरी स्पीड कैसी है इसकी। ओ पिकअप तो बढ़िया है यार, ओ स्पीड भी अच्छी है यार इस गाड़ी की। लेट्स गो, अपनी किस्मत अच्छी है यार, सही किया है मैंने 200 करोड़ का एवेंजर्स को घर बना के दिया है। कम से कम 2 करोड़ की गाड़ी तो दी इन लोगों ने। अब बता भाई आयरन मैन, दूसरा जो रिटर्न गिफ्ट देने वाला है उसकी लोकेशन क्या है? उसके लिए चलना होगा यार बीच पर। बीच? लॉस सैंटोस वाला बीच? बिल्कुल। अच्छा बता देना भाई क्या गिफ्ट दे रहा है तू। मैं तुम लोगों को एक पानी पे तैरती हुई चीज दे रहा हूँ। बोट दे रहा है तू? बोट? नहीं नहीं बोट नहीं है, अलग ही लेवल की चीज है। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि पानी पे तैरता हुआ कोई ये दे सकता है। क्या दे रहा है ऐसा तू? कोई क्रूज शिप? अरे बोट शिप व्हीकल कुछ नहीं है, अलग ही चीज है। अरे तो फिर क्या है यार, पूरा आइलैंड दे रहे हो क्या? नहीं नहीं आइलैंड भी नहीं है वो। अब क्या दे रहा है ये? पता नहीं गाइस, अभी बीच पर ही चलते हैं यार, अपनी गाड़ी को भगाते हुए लेकर चलते हैं बीच पर और देखते हैं आखिर में क्या ऐसा गिफ्ट दे रहा है जो पानी पे तैर रहा है। भाई आयरन मैन अवेंजर्स जितने भी हैं ये इतने कंजूस है भाई, इन लोगों से 100 रुपए निकलवाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट आज ये लोग गिफ्ट दे रहे हैं। 2 करोड़ की गाड़ी इन लोगों ने ऑलरेडी एक रिटर्न गिफ्ट में दे दी है, और अब पता नहीं पानी पे तैरता हुआ क्या ही देने वाला है ये, बट जो भी दे रहा है भाई ले लो, क्या पता कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए लेते रहो। अभी फिलहाल मौसम जो है वो एकदम बादल छा गए हैं, शायद थोड़ी ही देर में बारिश वगैरह भी हो सकती है। खैर बारिश से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे कितनी ज्यादा दूर है यार बीच, कब से ड्राइव कर रहा हूँ बीच पर, आजू बाजू भी नहीं पहुंचा, अब पहुंचने वाला हूँ मैं फाइनली। लेट्स गो, आगे से राइट और राइट ही लेकर चलते हैं, फिर आगे से लेफ्ट ले लेंगे। ओके जल्दी पहुंचने वाले हैं गाइज हम लोग बीच की तरफ, बट उससे पहले अगर तुम लोगों ने गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस गाइज अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी आ चुके हैं बीच पर, बता भाई आयरन मैन कहां जाना है अब? अरे यार अब बीच पर आगे चलो, वो सामने क्रूज शिप दिख रही है, वो तुम्हारी नहीं है। तो मैंने कब कहा कि वो मेरी है? क्या पता तू मेरे को गिफ्ट दे रहा हो वो क्रूज शिप ही। नहीं मैं तुम्हें क्रूज शिप नहीं दे रहा यार, कितनी बार बताऊं, बिल्कुल ही अलग चीज है, तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैं तुम्हें वैसी चीज गिफ्ट दूंगा। ऐसा क्या दे रहा है यार ये? बीच पर तो आ गए, कहां है तेरा रिटर्न गिफ्ट? बीच के उस साइड चलो। उस साइड? हाँ हाँ उस साइड चलो, बीच के उस साइड चलते हैं। फिलहाल तो मौसम जो है गाइस पूरा साफ हो गया, लग रहा था बारिश होगी, बट खिली खिली धूप निकल आ चुकी है वापस से। और कहां पर है भाई रिटर्न गिफ्ट जरा बताएगा? थोड़ा और आगे। अबे बीच पे जंगल कब सूख गया भाई, इधर पेड़ वेड़ तो पहले नहीं थे। बस थोड़ा सा और आगे। ओके कितना आगे भाई? बस पीछे लो गाड़ी को। क्या दे रहा है तू? ये है तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट, ये सामने झोपड़पट्टी। अरे उधर नहीं यार, इधर देखो ये। यस ये पूरा का पूरा घर मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ यार। क्या सच में है? बिल्कुल, ये आयरन मैन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या बकवास कर रहा भाई तू, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा घर लग रहा है।
हाँ तो ये घर तुम्हें ही गिफ्ट कर रहा हूँ मैं। अबे चल बे फेंक मत। अरे फेंक नहीं रहा यार सच में। चल चल किसी और का घर है और उस घर के आगे तू मेरे को लाके कह रहा है कि ये तुम्हारा घर हो गया। मैं मान नहीं लूंगा भाई। नहीं नहीं यार फ्रैंकलिन विश्वास करो ये तुम्हारा ही घर है। मेरे को नहीं विश्वास हो रहा यार जरा सा भी। ऐसे कैसे तू इतना बड़ा घर दे सकता है मेरे को? बिल्कुल ये घर तुम्हारा ही। जरा अंदर तो चलो देख ले कोई रोकेगा तो नहीं मेरे को। अरे यार जब हमारा ही घर है तो रोकेगा क्यों? अच्छा ओके गाइस तो ये पूरा का पूरा रास्ता है जो कि इस आलीशान घर की तरफ जाता है जिस घर का हाउस नंबर है 472। आगे चलते हैं। मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा भाई अवेंजर्स हमें ऐसा घर गिफ्ट कर सकते हैं जिस पूरा का पूरा एक रास्ता एक पूरा का पूरा रोड बना हुआ है गाइस घर की तरफ जाने के लिए। आओ ना भाई तुम लोग भी। अरे पहले तुम जाओ यार फिर हम तुम्हारे संग संग पीछे पीछे आएंगे। अबे आओ तो फिर। ये लोग तो नहीं आ रहे बट मैं जा रहा हूँ भाई। आगे पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड रोड है भाई वाइट कलर का जो कि सीधे घर की तरफ जाता है और यहाँ पर है अपनी एक बहुत ही खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल सी टू कार की पार्किंग। हाँ दो गाड़ी आराम से पार्क हो जाएंगी यहाँ पर। इसके अलावा बाइक वगैरह भी पार्क हो सकती है। भाई कितना ज़्यादा क्रेजी लग रहा है। और ये है पूरी की पूरी एंट्रेंस जहाँ पर सीढ़ियाँ लगा रखी है और सीढ़ियों से यू ऊपर जाओ। ओ यार क्या मस्त घर है यार। मजा आ गया भाई मजा ही आ गया ये घर देख के। पूरा घर को क्या सजा रखा। ये लोग आ क्यों नहीं रहे? खैर छोड़ो गाइस वो लोग बाद में घूम लेंगे पहले हम लोग घूमते हैं। तो यहाँ से तुम लोगों ने एंट्री देखी अपने घर की काफी ज्यादा क्रेजी है। उसके बाद अगर हम लोग इधर चलते हैं तो यहाँ पर है पार्टी वाला एरिया जस्ट गैरेज जहाँ पर गाड़ी पार्किंग है उसके बगल में ही पार्टी वाला एरिया जहाँ पर 5 लोग आराम से बैठ के पार्टी कर सकते हैं बारबेक्यू वगैरह है। जैसा यार मैंने एवेंजर्स को घर बना के दिया था इन लोगों ने तो मेरे को उससे भी अच्छा घर बना के दिया है। पता नहीं यार कितना ज्यादा खर्चा आया होगा इसमें बट एवेंजर्स से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग मेरे को कभी घर गिफ्ट करेंगे जिंदगी में बट इन लोगों ने गिफ्ट किया है भाई मेरे को। ओके ये बारबेक्यू से जरा नीचे उतरते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा हॉल कह सकते हो तुम लोग इसे और ये भी काफी मस्त है। म्यूजिक सिस्टम वगैरह स्पीकर वगैरह लगे पड़े हैं सामने टीवी लगा हुआ है मस्त यहाँ पर फिल्म विल्म देख सकते हैं। और पूरा का पूरा जो घर है भाई पूरा बीच पर है और ऊपर से समुद्र के ऊपर है। लोगों के जो महंगे महंगे घर होते हैं वो महंगा इसलिए होता है क्योंकि उससे सी फेसिंग व्यू होता है बट ये तो पूरा का पूरा सी के ऊपर ही बना हुआ है और चारों तरफ दीवार की बजाय शीशे हैं तो जिधर भी देखो भाई समुद्र ही नजर आता है। और ये जो मतलब ये ड्राइंग रूम कह सकते हो कितना ज्यादा मस्त है भाई। लिटरली में सोफे इतने सारे इतना बड़ा टीवी फ्रूट्स वगैरह रखे पड़े मजा आ जाएगा। वो तेरी क्या एपिक घर दिया यार एवेंजर्स ने रुला देंगे ये लोग तो मेरे को लगता है आज। ओके इधर क्या है भाई? ओके इधर एक और डोर है जो कि सीधे पानी के अंदर जाता है। व्हाट ये कितनी ज्यादा एपिक चीज है। व्हाट और ये एक स्विमिंग पूल है भाई। ये पूरा का पूरा एक स्विमिंग पूल है और वो भी इतना ज्यादा बड़ा। क्या भाई पूरा का पूरा एक स्विमिंग पूल इतना डीप घर के अंदर। ओ तेरी यार ये जो पानी है ये समुद्र वाला पानी है। पानी के ऊपर घर बना दिया इसलिए समुद्र वाला ही पानी आके भर गया है यहाँ पे। और ये अभी हम लोग ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं तो ये अलग ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर फिर से इधर पानी है। और मान लो अगर तुम लोगों को वहाँ स्विमिंग करनी है ठीक है बट धूप लग रही है और तुम लोग चाहते हो कि भाई ऊपर से धूप ना आए बट फिर भी मैं स्विमिंग कर सकूँ तो इन लोगों ने इसके लिए भी एक अलग जगह बना रखी है। ये देखो भाई रुक जाओ पहले यहाँ से निकलने दो मेरे को। तो ये मैं अबे पानी के अंदर फिर घुस गया। एक सेकंड पहले यहाँ से निकलने दो यार। भाई अवेंजर्स ने जो मुझे को घर गिफ्ट किया बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। देखो इधर मान लो तुम लोगों को स्विमिंग करनी है पर धूप लग रही है तो इधर आके स्विमिंग कर सकते हो जहाँ पर ऊपर शीशा लगा रखा है जिससे धूप नहीं आएगी नीचे और मस्त यहाँ पर छाए में स्विमिंग कर सकते हैं। बे यार ये तो पूरा घर ही स्विमिंग पूल है या फिर स्विमिंग पूल के अंदर घर बना रखा है क्या सीन है। और जो भी ये बहुत ही एपिक घर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और ये शीशे के ऊपर मैं वॉक कर सकता हूँ डेफिनेटली। यस काफी मजबूत शीशा है और यही एक रास्ता है गाइस इधर की साइड आने का। अगर हम लोग को इधर आना है तो पहले ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा और वहां से फिर इधर निकल के आना पड़ेगा। और ये पूरा एक वॉकवे है जिस पर वॉक कर सकते हैं हम लोग सिंपली। और इसके बाद बारी आती है अपने लेफ्ट साइड में जाने की जहाँ पर एक ब्रिज लगा हुआ है पूरा। ये देखो इतने बड़े स्विमिंग पूल के बगल में जस्ट एक ब्रिज है दूसरी तरफ जाने के लिए और ये भी इसी घर के अंदर है। ओ तेरी ये कैसे ओपन हो रहा है। अरे यार ये तो सही है। और ये
बोट वोट ले जाने के लिए है क्या यहाँ से? यस गाइस, यहाँ से हम लोग जेट्स की ले जा सकते हैं और मस्त एकदम तैर वैर के जेट्स की को चला के और यहाँ पर लाकर खड़ी कर सकते हैं जेट्स की को। ये बढ़िया सीन है। बाकी ये डोर ओपन कैसे होगा? हेलो हेलो ब्रो, डोर कैसे ओपन होगा? यहाँ से जाना है क्या? आई थिंक यहाँ से जाना है, रास्ता नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर जाने का यार मेरे को। अच्छा उधर है तो यार दरवाजा। ओके तो यहाँ से दरवाजा है गाइस और यहाँ पर अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर वापस से सोफा है, बड़ा सा टीवी है, इसके अलावा ये छोटा सा एक गार्डन है। और यहाँ पर कैसे जा सकता हूँ मैं? अच्छा इधर है दरवाजा, छोटा सा गार्डन है जहाँ पर चेयर्स लगी पड़ी हैं और यहाँ से एकदम मस्त चिल कर सकते हैं। बे यार इसने तो ड्रीम हाउस बना दिया है, बिल्कुल सपनों का घर लग रहा है ये तो। ऐसा घर रियल लाइफ में मिल जाए मजा ही आ जाएगा, अपनी जिंदगी सेट हो जाएगी भाई। बाकी इधर क्या? ओके तो यहाँ पर आग वाग जल रही है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल तो नहीं है, ये ऐसी ऑफिस वर्क वगैरह कर सकते हैं। भाई जो नज़ारे हैं यहाँ घर के अंदर से वो बहुत ही बढ़िया है। बाकी इधर एक और ऑफिस है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंची एक टेबल लैंप लगी हुई है, काफ़ी बड़ा टीवी है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं। इतने सारे कंप्यूटर्स पता नहीं कौन ही यूज़ करेगा हमारे घर में, बट फिर भी गाइस बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। इसके अलावा बाहर चलते हैं तो ये एक एरिया हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। अभी चलते हैं दूसरी साइड, ये लेफ्ट साइड का ब्रिज था, अभी चलते हैं राइट साइड वाले ब्रिज में जो कि उधर की साइड है। ओ भाई साहब क्या बात है यार, एवेंजर्स तो रुलाई डालेंगे मेरे को। ये राइट साइड वाला ब्रिज है जहाँ पर कुछ लोग आके बैठे हुए हैं। ओए कौन है बे, तुम लोग सारे के सारे निकलो यहाँ से। ओए टकले निकल चल, ओए आंटी निकलो यहाँ से। पता नहीं गाइस कहाँ से ये बंदे आके बैठे पड़े हैं यहाँ पर। निकल यहाँ से, निकलो निकलो। मैंने कहा ओए तू भी निकल, चल निकल यहाँ से, तू भी निकल, भाग भागो, मैं गर्दन उड़ा दूंगा तुम लोग। निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से, ये नहीं जा रहे तुम्हारी ऐसी तैसी, मत निकलो। भाई साहब घर बनाने की कब्जा करने पहली आ गए ये बंदे, पता नहीं कहाँ से आ गए। बाकी छोड़ो गाइस इन लोगों को, अभी मैं तुम लोगों को घर दिखा रहा था। तो ये देखो ये ब्रिज है, यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग। अबे जाओ ना यहाँ से, जा क्यों नहीं रही ये। तो यहाँ से एंट्री करने पे गाइस ये पार्टी वाला वापस से एरिया आ जाता है जहाँ पर मस्त पार्टी वार्टी, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, खाना खजाना सब कुछ है, बड़े बड़े फ्रिज रखे हुए हैं। ये पूरा का पूरा एरिया है गाइस डेडिकेटेड इवनिंग के लिए, शाम को यहाँ पर अलग ही मजे आ जाएंगे। बाकी कितने लोग घुसे हुए हैं यार अपने घर के अंदर, जिधर देखो लोग ही लोग हैं, फ्री का घर समझ लिया है यहाँ पर तो। तो ये बीच वाला एरिया काफी ज्यादा क्रेजी है। और यहाँ से देखो भाई पूरा का पूरा एक रास्ता है जिसको तैरना है, मस्त यहाँ से तैरो समुद्र के अंदर। तैरना हो गया तो फिर उसके बाद वापस से तैर के ऊपर की तरफ आओ और फिर यहाँ पर जो बेंचेस लगी हुई हैं सामने की तरफ उसके अंदर आराम से मजे से लेट जाओ। भाई साहब सही सीन है यार। तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड का भी एरिया एक्सप्लोर कर लिया, राइट साइड का भी एक्सप्लोर कर लिया, अब चलते हैं गाइस फ्रंट साइड सीधे। तो अभी ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये अलग है और ये भी पूरा एक अलग ही घर लग रहा है यार मेरे को। इसके अंदर जाने के लिए यहाँ से है दरवाजा और टीवी तो भाई इतने सारे लगे पड़े हैं इस घर में मैं क्या ही बताऊं। तो ये ड्राइंग रूम फिर से, ये किचन है, इसके अलावा अगर इधर की साइड चलते हैं तो एक और फिर से यहाँ पर टीवी है और यहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर ये क्या है? अच्छा ये एक रूम है, ये जिम है गाइस, पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड जिम घर के अंदर ही, पानी ऊपर तक आ रहा है यार। फिर एक ये और छोटा सा स्विमिंग पूल जस्ट जिम के बगल में ही। कितने स्विमिंग पूल्स हैं यार, सारा समुद्र का पानी भरा पड़ा है स्विमिंग पूल्स के अंदर, क्योंकि ये घर जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है और पानी जो है समुद्र का है, तो ये सारा का सारा पानी समुद्र का ही है, जिसकी वजह से इन पानी के अंदर गाइस मछलियां भी भरी पड़ी हैं। अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है बट मछलियाँ भी ज़रूर होंगी यार। ओके वापस से बाहर निकलते हैं। अबे मैं तो पानी के अंदर ही फंस गया, अरे मेरे को बाहर निकलने दो यार। ओके सेकंड, एक सेकंड, अरे निकलने का रास्ता कहाँ से? हाँ यहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसके अलावा ये सब मैंने देख लिया, क्या रह गया इधर? अरे ये रह गया भाई, ये क्या है? ये ऊपर जाने का रास्ता है? नहीं नहीं ये तो अंदर आने का रास्ता है। फिर यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स है, ये कुछ रूम है। ओह फाइनली अब जाके मिला है बेडरूम। बेडरूम तो मुझे दिखाई नहीं कब से मैं घर देख रहा हूँ और बेडरूम आप जाके दिखा है। बाकी इसके अलावा बाथरूम होगा इधर शायद, नहीं ये एक ऑफिस रूम या फिर कंप्यूटर रूम कह सकते हो, जिसके पीछे पैसे रखे हुए हैं, शायद एवेंजर्स के वो पैसे हैं जो इस घर बनाते वक्त बच गए होंगे, इन लोगों ने यहाँ छुपा रखे हैं। इसके अलावा और क्या है? बाथरूम, अरे हाँ बाथरूम नहीं है क्या पूरे घर में? अभी किसी को सूसू वगैरह आ गई तो वो जाएगा कहाँ? बट वेट ऊपर भी एक फ्लोर है, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है?
पता नहीं यार, एक सेकंड ऊपर जाने के लिए मैं सीढ़ियां ढूंढता हूँ। सीढ़ियां बाहर है, ये तो रही सीढ़ियां, तो चलो ऊपर भी जरा चलते, ऊपर तो मैं गया ही नहीं भाई एक भी बार। तो ये है गाइस ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ियों के थ्रू, और ऊपर भी काफी सारे सोफे लगे हैं भाई, जितने सोफे इस घर में लगे पड़े हैं ना, लॉस सेंटोस के सारे लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं एक साथ। बाकी इधर बारबेक्यू का सिस्टम है, और चूल्हा लगा रखा है इधर, व्हाट, चूल्हा भी लगा हुआ है यार। और इधर ये बालकनी, हाँ बालकनी कह सकते हो तुम लोग, और ये शीशा कितना ज्यादा मस्त है पे यार, घर तो बिल्कुल एकदम फाइव स्टार होटल की तरह लग रहा है। और ये फिर से ये शीशा अंदर की साइड से, एक इस पूरे के पूरे घर में मुझे एक प्रॉब्लम दिखी है, और वो है गाइस बाथरूम की। पूरे घर में मुझे अभी तक एक बाथरूम नहीं दिखा है, जो कि आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है। बाकी यहाँ पर भी एकदम मजे से आराम से चिल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पड़े पड़े पूरे समुद्र के नजारे लो। और इधर सोफा, फिर से एक टीवी, भाई टीवी तो पूछो ही मत कितने हैं। फाइनली बाथरूम दिखा यार, कितनी ज्यादा दिक्कत हुई इसको ढूंढने में, बट चलो इतने बड़े घर में एक बाथरूम तो बनाया है यार एवेंजर्स ने, थैंक गॉड। एक बाथटब है, एक वॉश बेसिन है, और एक यहाँ पर टॉयलेट की सीट है और वॉशिंग मशीन है। चलो भाई कम ऑन यार, एंड में फाइनली हमें बाथरूम देखने को मिल ही गया। मैं तो सोच रहा था यार इतना बड़ा घर बना दिया इन लोगों ने, बाथरूम बनाया नहीं पूरे घर में, अगर बाथरूम आएगी तो दौड़ो भाई सड़क पे इधर कहीं किनारे कर लो, मुझे लगा ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन नहीं इन लोगों ने सोचा है गाइस और बनाया है एक बाथरूम काफी ठीक ठाक, थोड़ा ऊपर है। मान लो अगर किसी को यहाँ पर है कोई, किसी को बहुत ही ज्यादा जोर की सूसू आ रखी है, तो उसे भाई इधर दौड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से इधर दौड़ना पड़ेगा, फिर इधर से निकलते हुए इधर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से निकलते हुए सीढ़ियों के थ्रू ऊपर भागते हुए, यहाँ से ऊपर भागते हुए इधर दरवाजा खोल के इधर जाना है, और फिर इधर हल्का होना पड़ेगा। ओ भाई साहब इतने में तो निकल जाएगा यार, सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा इतने में तो। खैर छोड़ो गाइस, जो भी हो वो सब तो बात की बातें हैं। बाकी घर कैसा लगा यार कमेंट में जरूर बताना, इस वाले घर को तुम लोग 5 स्टार में से कितने स्टार की रेटिंग देना चाहोगे अभी के अभी जाकर कमेंट में बताओ। अगर तुम लोगों को 5 स्टार देना है तो तुम लोग कमेंट में 5 लिख सकते हो, 4 देना है तो 4 लिख सकते हो। और हाँ एक और चीज जरूर बताना गाइस कमेंट में, क्या हम लोगों को परमानेंटली हमेशा के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर नहीं। मैं वोट डाल दूंगा, उसमें तुम लोग वोट कर सकते हो गाइस। अगर तुम लोग यस वोट करोगे तो हम लोग भाई लिटरली में यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे अपने पुराना वाला घर छोड़ के हमेशा के लिए। और अगर चाहते हो कि नहीं भाई पुराना वाला ही घर ठीक है तो नो वोट कर सकते हो, फिर हम लोग शिफ्ट नहीं होंगे भाई, वहीं पर रहेंगे। तो वोट जरूर कर देना और कमेंट में भी यस और नो लिखकर बता सकते हो तुम लोग। बाकी तुम लोग भी आ जाओ यार, शिंजन बिंजन चौब, जरा घर को बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करो, तुम लोग तो बाहर ही बैठे पड़े हो। ये देखो यार ये लोग तो अंदर आए ही नहीं। बाकी एक ऑटोमेटिक गेट भी है, व्हाट, इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ी को जरा पार्किंग में लगाते हैं, क्यों भाई चौब, लगा दे यार कलवे। ये देखो आराम से पार्क हो जाती है भाई गाड़ी, 3 गाड़ी आराम से पार्क हो जाएंगी भाई इसके अंदर। तो अभी फटाफट से मैं इस पूरे के पूरे घर का तुम लोगों को व्यू दे देता हूं गाइस ड्रोन से। तो ये जो घर है पूरा का पूरा बना हुआ है बीच साइड पर, देख सकते हो ये बीच लॉस सैंटोस का, और यहाँ पर बीच के ऊपर ये घर बना हुआ है। एंट्रेंस यहाँ से एंट्री होती है, मस्त एंट्री के साथ ही यहाँ पर पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड रोड बना हुआ है घर के अंदर जाने के लिए। और फिर इस रोड के थ्रू होते हुए यहाँ पर राइट साइड में अपनी बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाली पार्किंग, चारों तरफ से पत्थर से घिरा हुआ है घर, जिसकी वजह से गाइस अगर मान लो कल को ऊंची ऊंची लहरें भी उठने लग जाती है समुद्र के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ से अंदर ये एक छोटा सा रूम है, इसके बाद ये आता है गोल सा स्विमिंग पूल जिसके अंदर समुद्र वाला पानी भरा हुआ है, और दो दो रास्ते हैं इसके अंदर, एक इधर से और एक इधर से। धूप के अंदर स्विमिंग करनी है यहाँ से कर सकते हैं, छाए के अंदर स्विमिंग करनी है यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में एक अलग ही ऑफिस एरिया है जहाँ पर पूरा का पूरा एक ऑफिस बना हुआ है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो गाइज, बहुत ही क्रेजी है ये ऑफिस वाला एरिया भी। और उसके बाद राइट साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक पार्टी वाला एरिया है जहाँ पर काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं, पूरा बीच वाला माहौल है क्योंकि यहाँ पर रेत वगैरह लगी पड़ी है। और वापस से इतने सारे लोग आ चुके हैं भाई, सबकी आज मुंडी तोड़ दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ। ओके तो ये राइट साइड, आगे चलते हैं, ये हमारा फ्रंट साइड घर का जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अंदर किचन, यहाँ पर एक ड्राइंग रूम, फिर इसके बाद बेडरूम वगैरह है, और यहाँ पर बंदे आए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। इसके अलावा यहाँ पर जिम, जिसके अंदर एक मोटा आ गया है जिम करने के लिए, फिर यहाँ पर एक काफी खूबसूरत सा स्विमिंग पूल, और फिर उसके बाद ऊपर एक और छोटा सा रूम,
जहाँ पर है अपने आप बाथरूम। और ये पिंचन ऊपर कैसे पहुंचा भाई? ये पिंचन का बच्चा ऊपर कैसे गया यार? एक सेकंड जरा मैं देखूं इधर से। अच्छा हाँ, इधर से चढ़ के, एक सेकंड वो तो मैं भी जा सकता हूँ इसके ऊपर। रुक जाओ गाइस, एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी जरा ट्राई करूँ इसके ऊपर चढ़ने का यहाँ से। और एक सेकंड, यहाँ पर सिंपली आ जाओ और उसके बाद यहाँ पर चढ़ जाओ। अबे मैं नहीं चढ़ पा रहा है यार, ये पिंचन कैसे पहुंच गया वहाँ पे? इधर से चढ़ा है क्या ये? ये बालकनी से चढ़ गया ये? पता नहीं भाई कैसे चढ़ गया ये, मैं नहीं चढ़ पा रहा भाई लिटरली मैं। एक सेकंड, यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं क्या हम लोग? ये क्यों इतना बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है भाई? हाँ यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं यार हम लोग डेफिनेटली। फिलहाल तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा पिंचन ऊपर कैसे गया है। यहाँ से शायद, यहाँ से जाले के ऊपर तो मैं चढ़ ही नहीं पा रहा। ओ समझ गया, इस छाते के ऊपर से। ओ फाइनली गॉट इट, इस तरीके से छाते पे आया ये और जंप लगा के। अबे मैं तो यहीं रह गया। इस तरीके से छाते पे आके और जंप लगा मैं यार। चलो मैं भी आ गया फाइनली, दो चार बार मुंह टूटा अपना लेकिन आ गया। तो फाइनली गाइस ये देखो, ये अपनी छत, ये अपना घर। आयरन मैन कहाँ है? अच्छा आयरन मैन सामने की तरफ है, जरा आयरन मैन के पास चलते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल भाई उसी ने हमें ये घर गिफ्ट किया है। और जरा उससे प्राइस भी पूछते हैं यार, ये घर आखिर में बनाया कितने में उसने? तो आयरन मैन भाई एक सवाल पूछना था तुझसे। क्या यार? हमें ये तो पता चल गया वो गाड़ी 2 करोड़ की, लेकिन ये घर कितने का है? क्या करोगे जानकर, बता तो सही। ये घर 50 करोड़ का। सच में? झूठ तो नहीं बोल रहा तू? नहीं बिल्कुल नहीं यार, 50 करोड़ में सही घर बन गया ये तो यार। फिर तो सही है, 200 करोड़ का घर हम लोगों ने एवेंजर्स को गिफ्ट कर दिया और एवेंजर्स ने भी हमें गाइस 50 करोड़ और 2 करोड़ की गाड़ी 52 करोड़ का रिटर्न गिफ्ट दे दिया। ये सही सीन रहा भाई, सच में यार ये सीन सबसे बढ़िया रहा। एवेंजर्स को भी फायदा हो गया और मुझे भी, क्योंकि इतना बढ़िया घर मैं ना कभी बनवा पाता और ना खुद बना पाता। बट यहाँ पर आयरन मैन और एवेंजर्स ने मिलकर इतना ज्यादा क्रेजी वाला घर बना के दे दिया है, मजा ही आ गया यार। वैसे गाइस इस वाली जगह की जो सबसे मजेदार चीज है, सबसे बड़ा जो फायदा है वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैं कह नहीं रहा था भाई यहाँ से मस्त अपनी जेट स्की लेकर निकलो, थोड़ा बहुत इसको राइड करने के बाद वापस से जेट स्की लेकर आ जाओ। देखो सिंपली यहाँ से नीचे लेकर जाना अपनी जेट स्की को कुछ इस तरीके से, और जेट स्की लेकर यहाँ पर मैं निकल चुका हूँ अपने घर के अंदर से और मस्त इसको मैं चलाऊंगा ठीक है पानी के अंदर। ये बढ़िया तरीके से, मान लो मेरा मन भर गया अभी राइड कर करके, और अब मुझे वापस से इसे घर के अंदर लगाना है। तो कुछ भी नहीं करना है यार, सिंपली इसे ले जाना है और घर के अंदर लगा देना उस रास्ते से। या तो मैं इधर पार्टी वाले एरिया पे भी लगा सकता हूँ इधर से चढ़ा के, और मान लो अगर इधर नहीं लगाना इसे तो हम लोग इधर इसे वापस से उसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ से लाए हैं, इधर की साइड से आराम से इसे फुल स्पीड में भगा के और चढ़ा दो ऊपर। लो भाई आ गई अपनी जेट्स की वापस से। और अगर कोई बंदा बीच लॉस सैंटोस में रहता है और उसको जेट्स की चलानी है तो उसे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? उसे सबसे पहले एक टो ट्रक चाहिए या फिर ऐसा ट्रक जिसके अंदर गाड़ी रख सके, पिकअप ट्रक हो गया, और उसके अंदर फिर इस जेट स्की को लोड करेगा, फिर वो लाएगा बंदा यहाँ पर बीच पर, फिर जेट स्की चलाएगा, फिर वापस से इसे लोड करेगा पिकअप ट्रक पे और फिर ले जाएगा घर पे। बट अगर हम लोगों को जेट स्की चलाने, घर से निकाला चलाया और वापस लाके घर पे रख दिया, ये तो है बड़ा फायदा भाई इस वाटर मेंशन का। बाकी जो भी हो फायदे गाइस कमेंट में जरूर बताना तुम लोग इस वाली वाटर मेंशन को कितने स्टार देना चाहोगे 5 में से, और क्या हम लोग यहीं पर परमानेंटली शिफ्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, कमेंट में जाकर जरूर बताना। यस नो में तुम लोग बता सकते हो। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, जाओ फटाफट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।